अवामी मुहिम जो चल रहा है, इसका सिंपल मकसद है प्रशासन हर हफ्ता एक जगह रहे, पब्लिक के मालूम हो कि सरकार के सारे मेजर डिपार्टमेंट्स एक जगह उपलब्ध हो, ये नहीं कि उनको 10 दरवाज़ों का चक्कर लगाना ना पड़े। यहाँ आए, अपनी या तो शिकायत दर्ज करें या आपका कोई काम हो तो काम निपटा के जाएं। मैं पूछ के आया हूँ, यहाँ पर सर्टिफिकेट्स वगैरह मिला के 3 दिवसों में 14,000 से ज़्यादा बटे गए हैं। आज ही एक जगह 1800 शायद सर्टिफिकेट्स थे, तो आई थिंक वो सक्सेसफुल है। ऊपर देख के आया हूँ, स्कॉलरशिप्स, पेंशन्स, जिस चीज़ को दिक्कत है वो होया जा रहा है। सारी चीज़ें रातों रात तो होंगी नहीं, बट एक बार लोगों को आदत पड़ गया। मैं देख रहा हूँ पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते में ज़्यादा है, दूसरे से तीसरे में ज़्यादा है। इसको एक परंपरा की तरह अगर चालू रखेंगे ना, लोगों का भरोसा बढ़ेगा। ये बेसिकली पब्लिक की सर्विस बढ़ाने का प्रयास है। आने वाले हफ्ते में हम लोग B2V3 कर रहे हैं, बैक टू द विलेज। उसमें मामला अलग है, सीनियर ऑफिसर्स को गांव भेज के B2V1 B2V2 उसका फॉलोअप क्या हुआ, वर्क्स क्या हुआ, पंचायती राज के क्या सिचुएशन है, कितना मजबूत है। कुछ सरपंच भी थे, BDC चेयरमैन बात किया। एक एक पंचायत के पास आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर में मिनिमम 50 लाख है एक एक सरपंच के खाते में, मैंने किसी और के पीछे लग नहीं, और कुछ बड़े वालों में तो 4-4 करोड़ तक भी है पैसे। तो मुझे विश्वास है कि समय जैसा चलता जाएगा बहुत मजबूत होगी। ऊपर तो डेमोक्रेसी है, ये पार्लियामेंट है, असेंबली है, एक तीसरा टायर जो है मजबूत।